हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीके दीपक क्लासेस। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद हो और अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं, है ना? तो देखिए, यूनिट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं उस रूप में, राइट? चलिए, इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। चलिए, कैसे समझिए बात को। मास को अगर हम मेजर करना हो तो केजी में ही मेजर करेंगे, या फिर ग्राम में मेजर करेंगे, या फिर पाउंड में मेजर करेंगे, राइट? लेकिन अगर मास को हम मेजर करें मीटर में, किलोमीटर में, दैट इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग समझिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मास अगर मेजर करना हो, है ना, मास अगर मेजर करना हो तो किसमें मेजर करेंगे, तो या तो किलोग्राम में, या फिर ग्राम में, या फिर पाउंड में। क्लियर? अब मास को बोला जाए मास इक्वल टू 2 मीटर या 6 किलोमीटर, क्या ये राइट है, आंसर है रॉन्ग? तो मास को एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही में ही मेजर करेंगे, ना कि उसको मीटर या किलोमीटर में मेजर करें। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, या तो केजी में मेजर करो, या फिर ग्राम में मेजर करो, या फिर पाउंड में मेजर करो। क्लियर? तो मास को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म है केजी यानी किलोग्राम, जी मतलब ग्राम, पाउंड, है ना? इससे हम मास मेजर करते हैं। क्या होता है, इससे मास, ये हमारा मास का यूनिट है ना। अगर मास को मेजर करना हो, यानी मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, अगर इसको मेजर करना हो किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किलोग्राम, ग्राम एंड पाउंड। हम इसको टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट में मास को मेजर नहीं कर सकते। हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, राइट? जैसे लेंथ, लेंथ को मेजर करना है तो किलोमीटर में, मीटर में, फुट में, इंच में, है ना? अब लेंथ को मेजर कर दो 2 केजी, 6 केजी, 5 केजी, 8 केजी, दिस इज रॉन्ग, है ना? लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाया गया, है ना, मेजर करो या तो किलोमीटर में, मेजर करो या फिर मीटर में, राइट? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये आया कैसे, जैसे मास को मेजर किया गया किलोग्राम में, है ना, समझ मेरी बात? तो ये किलोग्राम वर्ड आया कहां से? तो देखो, होता क्या है, यूनिट का मेजरमेंट कैसे रखा गया, यूनिट कैसे रखा गया, तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, उसके लिए एक पत्थर वगैरह कुछ यूज कर दिया, है ना, तो उस पत्थर को नाम दे दिया। अगर उस क्वांटिटी के रूप में वो एक क्वांटिटी था, वो क्वांटिटी उस पत्थर के इक्वल हो गया, तो उस पत्थर का नाम दिया केजी, बोल दिया ये पत्थर है, इससे आज से इसका नाम केजी हो गया, 1 केजी। दो पत्थर उतने साइज का, दो पत्थर रखेंगे उतने वेट का, दो पत्थर रखेंगे 2 केजी, 3 पत्थर रखेंगे 3 केजी, है ना? तो इस तरह से केजी का इन्वेंशन हुआ। लेंथ का इन्वेंशन मीटर से हुआ, है ना, एक बड़ा सा रॉड लाया, है ना, उस रॉड को बोल दिया ये मीटर है ना। हमको कोई व्यक्ति गया दुकानदार के पास, बोला हमको कपड़े दो, तो बोला कितना, तब असमंजस हो गया, तो बोला कि नहीं, अगर कपड़े देना है तो कितना दे, तो उसने एक रॉड निकाला और रॉड निकाल के 4 रॉड माप के दे दिया, तो वो रॉड का नाम दे दिया मीटर। क्या नाम दे दिया, मीटर। इतनी सी बड़ी रॉड है, इस रॉड का नेम दे दिया मीटर। 4 मीटर मेजर किए, 4 यानी कि कपड़े जो है 4 मीटर का है ना। तो इस तरह से इन्वेंशन हुआ यूनिट का। क्लियर? तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल से हम बताते जाते हैं यूनिट, है ना। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यूनिट कहते हैं। जैसे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन में मेजर कर सकते हैं। जैसे स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, राइट? क्लियर? तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, स्पीड इसी में मेजर करेंगे, राइट? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करेंगे। फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर न्यूटन ETC, है ना। एनर्जी जूल के रूप में मेजर करेंगे, राइट? तो इस तरह से बहुत सारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम यूनिट कहते हैं, और एवरी फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर आया समझ में?
तो दिस इज ए यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो होता क्या है कि पहले जो है बहुत साल पहले बहुत सारा कंट्री में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता था। जैसे कुछ कंट्री में लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज करता था, कुछ का और मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज करता था, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड यूज करता था। कुछ कंट्री ऐसी थी जो मास को, जो लेंथ को फुट में मेजर करता था, और मास को पाउंड में मेजर करता था, और टाइम को सेकेंड में मेजर करता था। कुछ ऐसी कंट्री थी जो लेंथ को मीटर में मेजर करता था, क्लियर, मास को किलोग्राम में मेजर करता था, एंड टाइम को सेकेंड में मेजर करता था। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता था, इससे प्रॉब्लम होती थी, है ना। तो पहले उस सारे सिस्टम को बता देते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि हम लोग को जो सिस्टम ऑफ यूनिट स्टडी करना है इन्हें फिजिक्स, वो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, जो एमके सिस्टम के बेस पे है। तो पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर देते हैं, उसके बाद एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों जरूरत पड़ा उसके बताएंगे, राइट। आइए, तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। वन इज द एमके सिस्टम ऑफ यूनिट। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। एम मतलब मीटर मतलब लेंथ को मेजर करेगा, के मतलब किलोग्राम मास को मेजर करेगा, एस मतलब सेकेंड टाइम को मेजर करेगा, क्लियर। तो ए दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकेंड। फुट से लेंथ, पाउंड से मास, एंड सेकेंड से टाइम। थर्ड है हमारा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में सी से क्या मेजर करेंगे, लेंथ मतलब सेंटीमीटर, जी से ग्राम, ग्राम से मास, एंड एस से सेकेंड। जो लास्ट हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, और यही सिस्टम ऑफ यूनिट को हम यूज करते हैं, और इसी सिस्टम ऑफ यूनिट की हम स्टडी करते हैं इन्हें फिजिक्स, राइट। तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का फुल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में बहुत सारा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता था, है ना। ये देखो, ये अलग, ये कुछ कंट्री एमकेएस, कुछ कंट्री एफपीएस, कुछ कंट्री सीजीएस, इससे प्रॉब्लम होती थी। हम यहां से मटेरियल भेजे किलोग्राम में, तो वहां मेजर किया जा रहा है ग्राम में, तो इससे थोड़ा डिफिकल्टी जाती थी। इसलिए पूरे यूनिट मिलके, है ना, यानी कि जो साइंटिस्ट लोग है, तो वो साइंटिस्ट लोग आपस में बैठे और उसने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ जो पूरे ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर वर्ल्ड में वो वैलिड हो। इसलिए उस सिस्टम का, यूनिट का नाम पड़ गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किस पे डिपेंड है, तो एमके सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट किसके बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, तो मास किलोग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट पे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट बेस्ड है, और ये सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। यहां अगर हम किसी मटेरियल को मीटर में अगर मेजर करके भेजे हैं, तो अदर कंट्री में मीटर में ही मेजर होगा, अदर किसी चीज में मेजर नहीं होगा। अगर यहां से किसी क्वांटिटी को हम किलोग्राम में मेजर करके अदर कंट्री में भेजे हैं, तो अदर कंट्री भी उसको किलोग्राम में ही मेजर करेगा। तो जो हम यहां पे मेजर कर, जो जिस क्वांटिटी को हम यहां मेजर कर सकते हैं जिस फॉर्म के यूनिट में, वही फॉर्म के यूनिट में अदर कंट्री में भी यूज होगा। इसीलिए इस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। वन इज द एमके सिस्टम यूनिट, अनदर एफपीएस सिस्टम यूनिट, एंड अनदर इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट, एंड लास्ट इज द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। और यही सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग को स्टडी करना है, जो किस पे बेस्ड है, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट पे बेस्ड है। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ये टर्म और ये टर्म का स्टडी करना है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जब भी न्यूमेरिकल आएगा, या तो सीजीएस फॉर्म में होगा या फिर एमकेएस फॉर्म में होगा, है ना। यही दो फॉर्म में हमारा न्यूमेरिकल का वैल्यू होता है। जैसे लेंथ दिया रहेगा, तो लेंथ इक्वल टू लिख देगा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दिया मतलब किसमें, सीजीएस में चला जाएगा, है ना जी। मास अगर दे दिया ग्राम में, 2 ग्राम मतलब ये किसमें चला गया, तो सीजीएस में, राइट। तो दो ही फॉर्म में हमको, अगर न्यूमेरिकल आता है फिजिक्स में, तो दो ही फॉर्म में यूनिट होगा, या तो सीजीएस में या फिर एमकेएस में, क्लियर, ओके। चलिए, तो स्टूडेंट आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। जिस तरह से जितना फिजिकल क्वांटिटी होता था, कितने टाइप का, दो टाइप का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा, उस यूनिट को बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट, क्लियर।
तो वही टर्म है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट है ना, तो टाइप्स ऑफ यूनिट दो तरह का, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। क्लियर? जिस तरह फंडामेंटल क्वांटिटी था और डेराइव क्वांटिटी था, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट, और डेराइव क्वांटिटी का जो यूनिट होगा उसको बोल देंगे डेराइव यूनिट। सिंपल सा। क्लियर? इसलिए दो टाइप्स का यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। फंडामेंटल का दूसरा नाम है बेसिक, इसलिए इसको हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। राइट? सिंपल लेंथ एंड लेंथ मास एंड टाइम को बोलते हैं बेसिक यूनिट। क्लियर? इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो उसका यूनिट भी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट, है ना, ये किसी अदर क्वांटिटी या इसका जो यूनिट होता है किसी अदर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। डेराइव यूनिट क्या है? तो डेराइव क्या है? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या था? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता था। तो डेराइव यूनिट जो होगा, तो जो डेराइव यूनिट होगा वो किसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल। इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा? किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल। राइट? इसलिए हम लिखे इट इज डिपेंडेंट यूनिट। ये क्या होता है? डिपेंडेंट यूनिट होता है। इट इज डिपेंड ऑन बेसिक यूनिट, और ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिक यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। कौन? डेराइव यूनिट। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसका होगा? तो फिजिकल क्वांटिटी का। कौन सा फिजिकल? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। राइट? इसलिए ये इंडिपेंडेंट यूनिट होगा, ये डिपेंडेंट यूनिट होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? समझ रही? चलिए, तो बच्चों देखो कितने टाइप का फंडामेंटल यूनिट होगा। तो 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो टोटल 9 फंडामेंटल यूनिट होता है। तो मेनली हमको 7 याद रखना है। क्लियर? 7 फंडामेंटल यूनिट है ना। तो फंडामेंटल यूनिट किसका होगा? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का होगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक लेंथ है, इसको सिंबॉलिक में कैपिटल एल या स्मॉल एल में लिखते हैं। राइट? क्लियर? और इसका यूनिट मीटर होता है, और स्मॉल एम में भी इसको डिनोट करते हैं। क्लियर? मास, मास का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एम, स्मॉल एम भी लेते हैं। क्लियर? स्मॉल एम के रूप में भी हम लोग लेते हैं सिंबल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? और यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, और सिंबल में इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं केजी से। राइट? टाइम, टाइम को हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर? समझ मेरी बात? तो सिंबॉलिक रूप में कैपिटल टी या स्मॉल टी में लिख देते हैं। क्लियर? और इसका यूनिट होता है सेकेंड, और किस फॉर्म में? एस, शॉर्ट फॉर्म में लिखे या डिनोट करे तो एस से। क्लियर? टेम्परेचर, इसका यूनिट क्या होगा? इसका सिंबल क्या लेंगे? कैपिटल टी लेंगे। क्लियर? राइट? इसका जो टेम्परेचर, इसका यूनिट जो होगा वो डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, शॉर्ट में डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये 4 हुआ, और 3 बताते हैं आपको। तो बच्चों देखो 7 फंडामेंटल यूनिट, 4 फंडामेंटल यूनिट हमने बता दिया। नेक्स्ट है 3 फंडामेंटल यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट, इसको सिंबॉलिक रूप में आई से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट एम्पियर होता है, और डिनोट करते हैं एम्पियर को कैपिटल ए से। क्लियर? ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, इसका यूनिट कैंडेला होता है, इसको शॉर्ट में सीडी लिखते हैं। राइट? कैंडेला, इसका यूनिट होता है सीडी, है ना, शॉर्ट फॉर्म। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको, इसका यूनिट मोल होता है, सिंबल भी मोल होता है और यूनिट भी मोल होता है। क्लियर? तो ये दोनों आपको समझ में नहीं आया होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये जो लाइट है ना, लाइट की ब्राइटनेस कितनी है ना, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, है ना। तो क्या किया जाता है कि जैसे ये लाइट जल रही है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइट को भी जलाएंगे, और इसके साथ साथ एक कुछ मोमबत्ती जलाएंगे। मोमबत्ती जब तक, तब तक जलाएंगे जब तक मोमबत्ती का ब्राइटनेस, और मोमबत्ती इसको कैंडल कहते हैं। राइट? है ना जी? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट कैंडेला क्यों पड़ा ये समझिए, है ना जी। तो कोई लाइट जल रही है, तो हम क्या करेंगे, उस लाइट का जो ब्राइटनेस है, क्लियर, उसको मेजर करना चाहते हैं कितना ब्राइटनेस है, है ना। तो हम क्या करेंगे, मोमबत्ती लाएंगे और मोमबत्ती को जलाएंगे, और नंबर ऑफ मोमबत्ती को जलाएंगे जितने नंबर, और तब तक नंबर ऑफ मोमबत्ती को जलाएंगे जब तक मोमबत्ती का ब्राइटनेस और जो लाइट जल रही उसकी ब्राइटनेस दोनों सेम ना हो जाए, है ना। तो मान लो कहीं बल्ब जल रही है और उसकी ब्राइटनेस हमको चेक करना है, तो एक ही तरीका है, मोमबत्ती को ले आओ, नंबर ऑफ मोमबत्ती को ले आओ, फिर नंबर ऑफ मोमबत्ती को जलाओ। क्लियर? तो बल्ब का जो ब्राइटनेस है और नंबर ऑफ मोमबत्ती का जो कैंडल जिसको बोलते हैं, राइट, नंबर ऑफ कैंडल का जो हमारा ब्राइटनेस है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इस बल्ब का जो इंटेंसिटी है, मान लो कि
बल्ब का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब, वो मान लो 11 कैंडल आया। इसका मतलब है कि हमने 11 कैंडल को जलाया तब बल्ब का ब्राइटनेस 11 कैंडल के ब्राइटनेस के इक्वल आया। समझ मेरी बात। तो जितना नंबर ऑफ कैंडल को जलाएंगे वही उसका क्या होगा, उस बल्ब का इंटेंसिटी होगा। क्लियर, समझ रहे हो? तो कोई भी बल्ब जल रही है उसकी इंटेंसिटी मेजर करना है तो नंबर ऑफ कैंडल को जलाएंगे, जितना नंबर ऑफ कैंडल को जलाएंगे, राइट, और तब तक हम जलाएंगे जब तक बल्ब का ब्राइटनेस और कैंडल के लाइट से जो कैंडल से जो लाइट निकल रही उसका ब्राइटनेस सेम ना हो जाए। क्लियर? तो हमने 11 कैंडल को जलाया तब जाके उसकी ब्राइटनेस बल्ब के ब्राइटनेस के इक्वल हुआ, तो हम बोलेंगे बल्ब का जो इंटेंसिटी है 11 कैंडला के इक्वल है। क्लियर, समझ मेरी बात। तो ब्राइटनेस कैसे चेक करते हैं, तो कैंडल जला के। क्लियर? तो जितना नंबर ऑफ कैंडल जलाएंगे उतना हमारा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा। क्लियर? इसीलिए इसका यूनिट होता है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे सोडियम पोटेशियम पर है ना, मैग्नीशियम, इस सबको मेजर करने के लिए कुछ हम ये सब सब्सटेंस को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मोल। क्लियर, इन केमिस्ट्री। समझ मेरी बात? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो किसी केमिकल बोल सकते, कंपाउंड भी बोल सकते हो। क्लियर, केमिकल कंपाउंड को मेजर करने के लिए या केमिकल एलिमेंट सोडियम राइट मैग्नीशियम उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए है ना, जिस यूनिट को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं मोल। इसलिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। क्लियर, तो ये हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट है। क्लियर, और 2 यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। दो टाइप का सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट ही है। क्लियर, फर्स्ट है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, है ना। तो दोनों को बताते हैं, पहले इसको लिखिए। तो बच्चों, टू अनदर फंडामेंटल यूनिट होता है ना, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। क्लियर, तो टू फिजिकल क्वांटिटी जैसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टे रेडियन। क्लियर, समझ मेरी बात? तो दो फिजिकल क्वांटिटी अनदर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट कहलाता है, लेकिन इस यूनिट का नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो दो टाइप का सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, एक रेडियन दूसरा स्टे रेडियन, और एक किसका यूनिट होता है, एक प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल कैसा होता है, तो इस फॉर्म में एक प्लेन में जो एंगल होता है वो हमको ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा प्लेन है, ये मान लो प्लेन है और उस पर दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर दी, तो कॉर्नर पे जो एंगल बना है ना, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्लियर, और प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। क्लियर, समझ मेरी बात? दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जैसे कोन, आपने कोन देखा होगा जी, है ना जी, कोन ऐसे करके है, कोन है ना, वो जो क्या कहते हैं, जब क्रिसमस वगैरह होता है तो कैप के रूप में या बर्थडे पार्टी में कैप के रूप में पहनते हैं, देखे है ना, कोन के रूप में, राइट। तो देखो ये कोन है और कोन में जो एंगल बनता है ना थीटा, उस एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर, तो किसी कोन के द्वारा, मान लो ये एक ऐसे शेप में है ना, और ये हमारा पॉइंट है अंदर वाला, राइट। तो ये हमारा जो पॉइंट है ना, यहां पे जो एंगल बन रहा है ना चारों तरफ से, ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल, है ना। तो कोन के द्वारा जो एंगल बनता है वो हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। क्लियर, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है, सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता है, सॉलिड एंगल का वैल्यू क्या होता है, सॉलिड एंगल इक्वल टू सरफेस बाय एस, ऐसे कुछ होता है, सिंपल सा बता देंगे आपको कैसे निकालते हैं सॉलिड एंगल का वैल्यू, राइट। क्लियर, चलिए, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डेराइव यूनिट। डेराइव यूनिट वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड, देखो स्पीड
मीटर पर सेकेंड, मीटर क्या है फंडामेंटल, सेकेंड क्या है फंडामेंटल, राइट। तो ये फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड, स्पीड वेलोसिटी भी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड है, फोर्स भी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। लीनियर मोमेंटम भी फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड, मतलब फंडामेंटल यूनिट को छोड़ दो तो बाकी जितने भी यूनिट होंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की, मतलब जितने भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होंगी और उसका जो यूनिट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डेराइव यूनिट। क्लियर आया समझ में? तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DK दीपक क्लासेस। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।